की बात में सराहा गया। निश्चित रूप से ये अद्भुत प्रयास था और ये इस बात का परिचायक था कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़े वो रास्ता हो जाएगा, वो रास्ता हो जाएगा। श्रीमती दीपमाला पांडे, बहुत बहुत बधाई मैम आपको। सम्मानित शिक्षिका क्रम में अगली शिक्षिका हमारे बीच उपस्थित हैं, श्रीमती दीप्ति सक्सेना मैम। जोरदार तालियां दीप्ति सक्सेना मैम के लिए, एक बार और जोरदार तालियां दीप्ति, उसका अंत नहीं मिला, एक बार और जोरदार तालियां। इस छोटी सी उम्र में, इस छोटे से समय में इतना कुछ कर दिखाने के लिए निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणादायी है। कुछ बातें इनकी, इनके कृतित्व की मैं आपके बीच साझा करती हूँ। शैक्षिक और मनोरंजक बाल काव्य संग्रह बाल ग्रह की पुरस्कृत किया गया, इन्हें तृतीय स्थान प्रदान किया गया। एक बार फिर से जोरदार तालियां। और इसी के साथ मैं अपने अतिथियों का आभार व्यक्त झांसी वाली रानी वरदानी कहें कि किसी औरत को यदि हम संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अतिरेक करते हैं, हम पैसे हमें नहीं करनी है, जैसा कि सभी हम देखिए अत्यंत खूबसूरत श्री माता हम सबके आनंद को वंदे मातरम जी मैम। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूरे भारत में संगठन है जो काम करता है और इसमें 28 प्रदेश जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की मैं अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय स्तर पर मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। ये संगठन 3 संवर्गों में है, जो प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक का संगठन है। प्राथमिक संवर्ग, माध्यमिक संवर्ग और उच्च शिक्षा संवर्ग, उसमें एक तकनीकी संवर्ग भी हम लोगों का है। और इनके पदाधिकारी हैं सभी के, जो यहाँ पर उपाध्यक्ष होते हैं वो इनके प्राथमिक संवर्ग के अध्यक्ष होते हैं, प्राथमिक संवर्ग के, माध्यमिक संवर्ग के और ऐसे ही उच्च संवर्ग के भी। शैक्षिक महासंघ शिक्षकों की मांगों वाला संगठन नहीं है, बल्कि अन्य संगठनों से भिन्न है, क्योंकि ये मांगों के बारे में, उनकी आवश्यकताओं के बारे में तो बात करता ही है, उनकी समस्याओं के बारे में बात करता है, लेकिन अन्य संगठनों की तरह चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो, इस तरह का संगठन नहीं है, बल्कि ये संगठन अपनी जिम्मेदारी को देश और राष्ट्र के प्रति भी समर्पित करता है, अपने शिक्षकों में जागरूकता का भाव पैदा करता है, देशभक्ति के भाव जगाता है, इसी तरह से वो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित करता है और एक संदेश देता है, जिसमें जुलाई माह में गुरु वंदन कार्यक्रम होता है अपने गुरुओं के प्रति समर्पण के लिए, सम्मान के लिए। दूसरा कार्यक्रम जो होता है वो शिक्षक के में कर्तव्य बोध को जागृत करने के लिए कर्तव्य बोध कार्यक्रम, जो आपका विवेकानंद से लेकर के, विवेकानंद जन्म जयंती से लेकर के सुभाष चंद्र बोस जन्म जयंती यानी 23 जनवरी तक चलता है। इसके अतिरिक्त जो मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में वर्ष प्रतिपदा पर नववर्ष का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और ये संदेश दिया जाता है कि जो नववर्ष जो मनाया जाता है वो हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है, बल्कि दुर्गा पूजा से वो प्रारंभ होता है, पहले दिन से प्रतिपदा से ही, और उसी तरह से हमारी प्रकृति है जो हमारा उसी तरह से संदेश देती है। फूल खिलते हैं और नई नई कलियां विकसित होती हैं जो हमें जागरूकता का संदेश देती है और हम नए वर्ष के आनंद को भावविभोर होकर के मनाते हैं। और इस समय तो कुछ दिखाई नहीं देता है, प्रकृति बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई होती है। इसी तरह से जो समाज में कोई भी अगर समस्या आती है किसी भी तरह की, तो उसको लेकर भी हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जैसे कि अभी जैसे संस्कारों की कमी चल रही है,
तो संस्कारों की कमी के लिए, संस्कार देने के लिए कि बच्चों में किस तरह से संस्कारित किया जाए उनको, कर्तव्य बोध कार्यक्रम या फिर कहना चाहिए कि अलग तरह के कार्यक्रम, परिवार प्रबोधन या परिवार को इकट्ठा करके और उनमें जागरूकता पैदा करना, इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। कभी अगर बेटियों पर संकट आ जाए तो उस तरह से विरोध प्रदर्शन भी किया जाता है। कभी किसी शिक्षक पर कोई आँच आती है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे किस जिले में, किसी में भी हो, स्थिति में राज्य में कहीं पर भी हो, तो हम अपना विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, यानी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाते हैं।